आज भी हमारे देश के ग्राम पंचायतों की दशा बहुत दयनीय है। वह आज भी मूलभूत सुविधाओं की मोहताज हैं। किसी ग्राम पंचायत में अस्पताल की कमी है तो किसी ग्राम पंचायत में पंचायत घर भी उपलब्ध नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटागे ब्लॉक सकेट में स्थित सकतपुर एटा गाँव पड़ा। इस गाँव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गाँव 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्राम वासियों ने रामा देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1500 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 280 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 240 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंप रिवोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 20 विद्युत ट्रांसफार्मर व 4 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 1 सीसी टाइल्स रोड, 4 खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, सचिवालय, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 18 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 67 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रतिनिधि हरिसिंह शर्मा, पूर्व पार्षद शर्मा, ग्राम पंचायत सकतपुर एटा थाना मलावन का निवासी हूँ। मैंने ग्राम पंचायत में 2-4 कार्य ऐसे कराए जो बढ़िया पारदर्शी, इसमें सब लोगों की सहभागिता रही है। जैसे सीसी है, खरंजा कार है, लाइट निर्माण है, मनरेगा के तहत 2-4 सड़कों का कार्य कराए मिट्टी का, इसका 2 सड़क का पैसा आया, बाकी का पैसा नहीं आया। और मैंने सौर ऊर्जा का कार्य कराया गाँव में, 4 लाइट लगवाई मैंने, सौर ऊर्जा लाइटें लगवाई 4 लाइटें, और गांव में नलों का निर्माण कराया है, रिपेयरिंग कराई है। और मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य कराए हैं जो कि लोगों की सहभागिता के अनुसार हुए। सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गाँव में सचिवालय, बारात घर, एक स्वास्थ्य केंद्रों से जो लोग मुख्यालय जाने में दिक्कत होती है, वाहन नहीं मिलते हैं, इससे लोगों को कुछ गरीब परिवार की मृत्यु हो जाती है। और गांव प्रधानमंत्री आवास ही जो लोग निवास कर रहे हैं कच्चे घर में निवास कर रहे हैं, सोंदीगढ़ के लिए गाँव में गेट होना अनिवार्य है। और मैं एक हमारे ग्राम पंचायत में 1800 बीघा जमीन है जो अवैध कब्जा करे हुए हैं लोग, बड़े बड़े जो हैं जैसे भवानी सिंह हैं, भगवान दास के पुत्र महेश चंद हैं, और बहुत सारे लोग हैं ठाकुर दास हैं जो कि जमीन अवैध कब्जा करे हुए हैं, 100 एकड़ से जमीन घिरे हुए हैं, जो फसल लाखों की रुपए कमाते हैं, और निवल जो गरीब आदमी है उन पर 1 बीघा जमीन तक नहीं है, ना कब्जा है, रहने के लिए दिक्कत हो रही है, शौचालय बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं इस समय। मैंने SDM से भी लेटर लिखा है लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। DM साहब से शिकायत की है जिससे आबादी का निर्माण हो सके, लोग गरीब आदमी मिल सके। बहुत सारे मैंने जिलाधिकारी महोदय साहब को लेटर दिए हैं, SDM साहब को दिए हैं, जो कि गरीब परिवार को कुछ आबादी हित जीवन यापन करने के लिए जमीन मिल सके।